दोस्तों, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है कि एक लीड कलाकार हमेशा ही शो को आगे ले जाता है, जिसके ना होने से शायद एक शो उतना ज्यादा सफलता ना पाए। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक मुख्य कलाकार के साथ ही सिर्फ शो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि सहायक कलाकारों का भी शो में इंटरेस्टिंग बनाने में काफी बड़ा हाथ होता है। जहाँ कई बार तो सपोर्टिंग किरदारों में कलाकार खुद को इस तरह पेश करते हैं कि दर्शक न सिर्फ उन्हें काफी ज्यादा प्यार देते हैं, बल्कि कई बार उनका प्यार मुख्य कलाकारों से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में आपको टीवी इंडस्ट्री के 10 सितारों से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाने के बावजूद दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार पाया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कंवर ढिल्लों। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता कंवर ढिल्लों का, जो कि पांडे स्टोर में साइड कैरेक्टर में नजर आते हैं। वहीं कंवर की एक्टिंग तो इनके कैरेक्टर में एक नई जान डाल देती है, जिसके वजह से कंवर ढिल्लों तो शायद सपोर्टिंग किरदार होने के बावजूद आज सबके फेवरेट बन चुके हैं। नंबर 2, ईशा मालविया। कलर्स टीवी का शो उदारियां आज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसमें तेजो की भूमिका निभाते हुए यूं तो प्रियंका चाहर चौधरी दर्शकों की फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल हो चुकी हैं, पर उस लिस्ट में ईशा मालविया ने भी खुद का नाम दायर करने में कमी नहीं रखी। जी हां, ईशा मालविया इस शो में एक नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदार में नजर आ रही है, पर इसके बावजूद इनकी हर एक खूबी ने भी इन्हें दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया है। नंबर 3, परस कालनावत। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता पारस कालनावत का भी शामिल है, जो कि वर्तमान में अनुपमा शो में उनके बेटे समर शाह की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस किरदार में इन्हें इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां शो में इनका किरदार इन्हें दर्शकों से प्यार दिला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग जबरदस्त तो वहीं दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग एक्सप्रेशंस और डैशिंग लुक ने इन्हें इस प्यार का हकदार बना दिया है। नंबर 4, अनुज फकीह। इस लिस्ट में अगर अंजुम फकीह का नाम ना होता तो शायद ये लिस्ट अधूरी जरूर रह जाती, क्योंकि कुंडली भाग्य में जहां एक तरफ श्रद्धा आर्य ने मुख्य भूमिका निभाते हुए अपने करियर को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है, तो वहीं उनकी छोटी बहन सृष्टि की भूमिका निभाते हुए अंजुम फकीह ने भी दर्शकों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ा ली है। इनका किरदार सपोर्टिव होने के बावजूद प्यार के मामले में कभी भी श्रद्धा से पीछे नहीं रहा। नंबर 5, गौरव खन्ना। स्टार प्लस में नंबर 1 शो अनुपमा में यूं तो इसके हर एक कलाकार को दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार और सराहना मिल रही है, पर जब से गौरव खन्ना ने शो में अनुज कपाड़िया बनकर एंट्री ली है, तब से तो इनके आगे हर एक कलाकार फेल ही हो चुका है। शो में सपोर्टिंग किरदार होकर भी ये सुधांशु पांडे से ज्यादा प्यार पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल होते हैं। नंबर 6, हनीता हसनदानी। इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में अनीता हसनदानी का नाम टॉप पर होता है, जिन्होंने यूं तो कई टीवी शोज में लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया है, पर जब इन्होंने नागिन 3 में विशाखा की भूमिका निभाई तो दर्शकों में इनके लिए बेशुमार प्यार और तारीफें देखने को मिली, जिसकी वजह से ये लिस्ट में शामिल है। नंबर 7, कांची सिंह। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री कांची सिंह का भी शामिल है, जिन्होंने अब तक बतौर लीड एक्ट्रेस बेहद कम ही टीवी शो में काम किया है, पर इसके बावजूद इनकी पॉपुलैरिटी लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाने वाले अभिनेत्री से भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ और नहीं बल्कि इनकी एक्टिंग ही है जिसके बलबूते पर इन्होंने यह रिश्ता क्या कहलाता है में बाकी सितारों को भी पीछे छोड़ दिया था। नंबर 8, रुचा हसबनीस। अब बात हो रही है उन सितारों की जो कि साइड रोल में होने के बावजूद दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो उसमें रुचा हसबनीस कैसे पीछे रह सकती हैं, जो कि साथ निभाना साथिया में यूं तो एक सपोर्टिव किरदार में थी, पर इसके बावजूद इनकी एक्टिंग शो में इतनी ज्यादा दमदार और अट्रैक्टिव थी कि दर्शक इन्हें अपना प्यार देने से खुद को रोक नहीं पाए, और इसलिए ये नंबर 8 पर शामिल है। नंबर 9,
अदा खान। कलर्स टीवी में मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक शो नागिन में जहां मौनी रॉय ने शिवांगी बनकर लोगों से प्यार बटोरा है, तो वहीं अदा खान ने भी दर्शकों का प्यार पाने में पीछे नहीं रही। भले ही शो में इन्होंने नेगेटिव और सपोर्टिव किरदार निभाया था, पर इसके बावजूद इनका किरदार इतना ज्यादा रोमांचक और इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा काबिले तारीफ थी कि जब भी नागिन शो का नाम लिया जाता है तो उसमें अदा खान का नाम तो टॉप पर होता ही है। नंबर 10, रूही चतुर्वेदी। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी का, जिन्हें कि आप सभी जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में शर्लिन लूथरा की भूमिका निभाते हुए देख रहे होंगे, जिसमें इनका किरदार सपोर्टिव होने के साथ ही नेगेटिव भी है, जिसकी वजह से इन्हें इस शो में भले ही काफी नफरत मिलती हो, पर इसके बावजूद इन्होंने दर्शकों के बीच में एक बेहद खास जगह बना ली है, जिसमें लोग इनके कैरेक्टर से तो नफरत करते हैं पर लोगों की जुबान पर इनकी एक्टिंग की तारीफ कम होने का नाम नहीं लेती। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट कलाकार कौन सा है, आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।